नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। मेरा नाम है नितिन और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर हम सब लेके आए हैं अपने। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आप सभी के लिए रीजनिंग की फ्री क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। और ये रीजनिंग की जो फ्री क्लासेस रहेंगी, ये कौन से पेपर के लिए होंगी सर? ये सीसेट, चाहे आप और कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल की बात हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, या रेलवे के पेपर हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस मोटे मोटे तौर पर हर जगह सेम। अब यहाँ पे मेन हमारी तवज्जो सीसेट की तरफ क्यों है? कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, आने वाले समय में अभी हम देखेंगे कि प्रीलिम्स के पेपर होंगे, तो प्रीलिम्स के पेपर से अभी ही बेस्ट टाइम है कि हम अपनी सीसेट की तैयारी एकदम जोरों शोरों से करें, ठीक है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए सीसेट पे मेन फोकस रखा गया है, परंतु अगर आप और भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं पेपर की, तब भी ये आपके लिए मददगार साबित होगा। अब ये कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा, बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जो क्लासेस आ रही हैं दोस्तों, ये क्यों खास है अपने में ही, क्योंकि ये निशुल्क यानी कि फ्री है। पूरी रीजनिंग की A to Z क्लासेस आपको ऑनलाइन प्राप्त कराई जाएंगी, और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, ना ना ना, रिकॉर्डिंग तो दोस्तों आप खुद पूछ के देखिए, सोच के देखिए, कितनी चीजें यूट्यूब में अवेलेबल है, पूरे कोर्स के कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि लाइव क्लासेस करी जाए। लाइव क्लासेस क्यों करी जाए दोस्तों? क्योंकि एक टू वे कम्युनिकेशन स्थापित हो। टू वे कम्युनिकेशन क्या होगा दोस्तों? इस तरफ से मैं जुड़ूंगा आपसे, इस तरफ से आप भी जुड़ेंगे, राइट? तो इसी को हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पढ़ा रहा रहूंगा, आप वहां पे पढ़ रहे होंगे, आपको कुछ डाउट आएंगे, आपकी कुछ समस्या होगी, आप जो आंसर देंगे, ये सब मुझ तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी बात है, इसीलिए लाइव पे हमारा तवज्जो दिया गया है, ठीक है। और ये लाइव कब से आने वाले हैं? अगले गुरुवार यानी कि थर्सडे को हर गुरुवार की दोपहर 3 बजे हम आप सभी से जुड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आई गई है, ठीक है। किसी का कहना ये हो सकता है कि सर रिकॉर्डिंग डाल देते तो भी हम एक साथ फ्री, मतलब बाद में बैठ के देख सकते। तो देखो दोस्तों, क्या होता है लाइव क्लासेस, अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं तो लाइव क्लासेस अवेलेबल तो यूट्यूब में रहती है, तो उसको बाद में जाके भी आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग और लाइव में अंतर यही है कि एक इसमें टू वे कम्युनिकेशन बनता है, बेहतर होता है विकल्प। इसमें आप जुड़ते हैं तो आपकी प्रैक्टिस का भी जिम्मा उठाया जाता है, और जितने ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन कवर कराने का भी मौका मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जो रीजनिंग ब्रह्मास्त्र वाली मुहिम चालू की थी हमने, वहां पे हमारा तवज्जो पीवाईक्यूज की तरफ था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीवाईक्यूज ही सिर्फ करना बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो उनको आवश्यकता क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट की है। इसीलिए अब मेन तवज्जो ये दी जाएगी कि कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ें, और उसी क्लास में बाद में चल के हम कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस भी पढ़ें, तो एक हमारी जो तैयारी होगी वो मजबूत और पक्के तौर पे होगी। तो इसमें पूरी रीजनिंग की आपकी क्लासेस A to Z जितने सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे आपके थर्सडे 3 बजे दोपहर को कवर कराए जाएंगे। अगर आप सभी का बहुत सारा प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आप लोग पसंद करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ और ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर मैथ्स के लिए भी यही सेम क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा, लाइव होगी, ठीक है। इसको आप कमेंट में करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वाला भी प्लान, ठीक है। अब देखिए, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको सब बताता हूँ कि सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, कौन से खंडों के अंदर कौन सी चीजें आएंगी। रीजनिंग को मोटे मोटे तौर पे आप 3 खंडों में यानी कि 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो ही आपकी वर्बल रीजनिंग, एक है आपकी नॉन वर्बल, एक है आपकी लॉजिकल। अब नाम ही आपको साफ कुछ साझा कर देगा, फिर मैं आगे आने वाली स्लाइड में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से टॉपिक के अंदर कौन से सब टॉपिक्स आते हैं। वर्बल रीजनिंग, देखिए यहाँ पे वर्बली कुछ बातें की जाएगी, यानी कि यहाँ पे बहुत कुछ लिखा रहेगा, उस लिखी हुई चीजों को हमें क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, यानी कि आंकलन करना है, समझना है, और उसके बाद कुछ तर्क देके आगे बढ़ना है। तो आप मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए, उदाहरण दूं आपको तो कोडिंग, डीकोडिंग, डायरेक्शंस, सीरीज, ये सारी चीजें वर्बल के अंदर आती है। मैं विस्तार से आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कौन से टॉपिक है और कौन से मेन टॉपिक्स है। नॉन वर्बल यानी कि यहाँ पे देखिए, नॉन यानी कि लिखा हुआ कुछ नहीं रहेगा, मान के चलिए यहाँ पे शायद इमेजेस या चित्र बने होंगे और हमें उनका आंकलन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी 2-3 मेन टॉपिक आते हैं दोस्तों,
ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपके रीजनिंग के बनते हैं। लॉजिकल रीजनिंग यानी कि जहां पे आप लॉजिक को आधार बनाकर आगे चलेंगे, तो इसमें वेन डायग्राम टाइप की चीजें आएंगी। तो अब मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ कि कौन से रीजनिंग के टॉपिक के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स आएंगे और हम कैसे उसकी तैयारी करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो सबके अंदर आएंगे, जैसे सीरीज यानी कि श्रृंखला। अब ये संख्याओं की श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज, अल्फाबेट की यानी कि अक्षरों की श्रृंखला, दोनों इसमें आ जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जहां मैं स्टार मार रहा हूं आप मान के चलिए वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बेड की व्यवस्थीकरण, ठीक है, जहां पे आप इंसानों को बैठने की व्यवस्था अरेंज करके देते हैं, तो वैसी अरेंजमेंट, इसके भी एक से दो क्वेश्चन आपके आने अवश्य। ऑर्डर एंड सीक्वेंस यानी कि यहाँ पे आप वस्तुओं को अरेंज करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लॉजिक सभी में सेम ही चलते रहता है, एक चीज पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें समझ समझ के आगे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। कोडिंग डीकोडिंग, सांकेतिक भाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वर्बल रीजनिंग का काफी वेट होता है आपके पेपर में। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जहां पे हम परिवार के इर्द गिर्द जो भी संबंध बने हुए रहते हैं उन सबका आंकलन, ये भी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन सेंस यानी कि दिशा आरेख, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। रैंकिंग बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है, पर इसका भी क्लास लिया जाएगा, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि वैसी जगह जहां हम बॉड मास का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, वो वाले सारे टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। एनालॉजी, हाँ आप कह सकते हैं कि इसका काफी वर्चस्व है, ये पूछी जाती है। ठीक है, तो एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो हर एक थर्सडे को हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने की, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आएगा दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपकी वैसी चीजें आएंगी जहां लिखावट ज्यादा नहीं होगी, परंतु कुछ चित्र दिए होंगे उनका आंकलन करना पड़ेगा, जैसे कि पैटर्न कंप्लीशन। कुछ चित्र दिए होंगे और पूछा जाएगा बताइए इन तीन चित्रों को देख के आपको क्या लग रहा है कि आगे चौथी चित्र क्या बन सकती है, तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न कंप्लीशन। इसमें दो तीन वेरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसे टॉपिक आए और एसएससी वगैरह में तो ये खूब भर भर के पूछे जाते हैं, तो ये भी एक बहुत इजी टॉपिक है। ये सारे जो नॉन वर्बल के टॉपिक्स है ना, ये सारे इजी टॉपिक है। एक टॉपिक शायद यहां नहीं लिखा है, मैं उसे लिख देता हूं, काउंटिंग फिगर्स, कि बताइए कितने यहां पे त्रिभुज दिख रहे हैं, बताइए इन चित्रों को देख के आपको क्या लग रहा है यहां पे कितने वर्ग हैं, त्रिभुज मौजूद है, ये सारी चीजें, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिरर एंड वाटर इमेज यानी कि आप जहां पे इमेजेस ढूंढते हैं, मिरर इमेज हो गई, वाटर इमेज हो गई, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले टॉपिक भी बड़े आसान होते हैं और इनको बहुत आप आराम से कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है पेपर में। एम्बेडेड फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स यानी कि आपको कोई चित्र दे दिया जाएगा, मान के चलिए ऐसा कुछ, और आपसे पूछा जाएगा क्या आपको ऐसा हिस्सा कहीं दिख रहा है इस चित्र में, तो आप बोलेंगे हाँ, इसी को कहते हैं हम एम्बेडेड फिगर, यानी कि ये फिगर इसके अंदर कहीं तो है, उसको खोजिए, तो आप देखेंगे ये वाली बात ऐसी। तो इसमें भी तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, बहुत इजी टॉपिक होता है। अब आप देखिए ये चीज और ये चीज सेम है, बिल्कुल, तो ये देखने की हमारी आदत हो जानी चाहिए, तब ये सारे टॉपिक्स हमें बहुत आसान लगते हैं। तो खूब सारी प्रैक्टिस और खूब सारा कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए लेके आने के लिए हम तैयार। बस अगले थर्सडे से आपको दोपहर 3 बजे समय निकाल के इसमें जुड़ना है दोस्तों। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में कौन से टॉपिक आएंगे, जहां पे आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, ठीक है, ऐसी वाली चीज है। इसके बाद इनइक्वालिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चों को, बहुत बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक ना थोड़ा बाउंसर टॉपिक है, तो जब वो पढ़ते हैं तब उनको बड़ा मजा आता है कि अच्छा ये इतना कठिन नहीं है जितना नाम से लगता है, तो इनइक्वालिटीज ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। सिलॉगिजम्स की अभी दोस्तों रिसेंटली PYSQ की वीडियो भी आई थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे हमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिए रहते हैं, हमें चयन करना पड़ता है कि कथनों को देख के हम कौन से निष्कर्ष को चुन सकते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है। इसके बाद एक आता है स्टेटमेंट अजम्पशन यानी कि कथन और पूर्व धारणा क्या रही होगी। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर पूछे जाते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन आता है बट ये स्कोरिंग है, ठीक है, इसको बहुत बच्चे छोड़ते हैं, बट ये स्कोरिंग है, एक क्वेश्चन इसका आता है। सिलॉगिज्म के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, क्लियर है। तो ऐसे हम पूरी तैयारी करने वाले हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है,
इसमें पूरे आपके तीनों खंड यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल सबको ए टू जेड कवर कराया जाएगा। हर थर्सडे आपसे 3 बजे मुलाकात होगी। तो बिल्कुल दोस्तों आप अपने तक भी ये रखें, और अगर आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं, भले वो किसी भी कॉम्पिटेटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी ये चीज जरूर शेयर करें, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ सकें और सब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ सकें। तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा अगर आपको आगे मैथ्स के लिए भी ऐसा चाहिए, तो मैं रीजनिंग के साथ मैथ्स का भी फिर आने वाले समय में साथ ही साथ प्लान करूंगा। तो ये जरूर आप बताइएगा कैसा आपको लगा। तो फिर जल्द से जल्द मिलते हैं अगले गुरुवार को दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए। चलिए शुक्रिया।